मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। धार जिले के कुक्षी में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश में इतनी बेरोजगारी है कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी पूरे देश में कभी नहीं रही है। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में 90% से अधिक सरकारी पद खाली है। 18 सालों से बीजेपी की सरकार सूबे में है, फिर भी ये पद भरे नहीं गए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं इंदिरा जी की पोती हूं, उन्हें गुजरे हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी आप उन्हें याद करते हैं क्योंकि वे आपकी संस्कृति को समझती थी। आपसे उनका रिश्ता राजनीति का नहीं बल्कि भावनाओं का रिश्ता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी ने भी आपकी आदिवासी संस्कृति और परंपरा का आदर किया है। बता दें कि प्रियंका की धार में चुनावी सभा से तकरीबन 14 विधानसभा सीटों पर असर पड़ सकता है। इनमें से धार की 7 विधानसभा सीटें हैं, झाबुआ की 3 विधानसभा सीटें हैं, बड़वानी की अगर बात की जाए तो बड़वानी और अलीराजपुर जिले की तकरीबन 2-2 सीटें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। ये पूज्य संत कमलदास जी की धरती है, राजा श्री देवी सिंह जी की धरती है, बाबा साहेब अंबेडकर जी जैसे महापुरुषों की धरती है। यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है और सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि ये आपकी धरती है। आप सब यहाँ मेरी बातों को सुनने आए हैं। आपके पूर्वजों ने इन महापुरुषों के साथ हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी और इसलिए एक तरह से ये पावन धरती भी है। आपने मुझसे पहले जो चर्चा की इंदिरा जी की, आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूं। इसमें ताली बजाने आप उनको बहुत मानते थे और जितना आप उनको मानते थे, जितनी श्रद्धा आपके दिल में उनके लिए थी, उतनी ही श्रद्धा इस देश की जनता के लिए, खास तौर से मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए इंदिरा जी